हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आटे और गोभी के मोमोज बनाने जा रही हूँ, जो बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी होते हैं। इसे आप एक बार घर में जरूर ट्राई करें कि ये मोमोज कैसे लगते हैं। चलिए अब हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं। गोभी के मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोभी ले ली है। अब इन्हें हम छोटा छोटा काट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, हमें इन्हें छोटा छोटा ही काटना है। मैंने गोभी को पहले गर्म पानी में साफ कर लिया था, फिर उसके बाद इतना छोटा छोटा काट लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। एक कढ़ाई ले ली है मैंने। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। मैंने 5 से 7 कलियां लहसुन की काट ली है। इसे हम सुनहरा करेंगे। लहसुन सुनहरा हो चुका है, अब इसमें हम 1 प्याज की आड़ी जो मैंने छोटी छोटी काट ली है वो भी डाल देंगे। प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज सुनहरा हो चुका है, अब इसमें हम 7 से 8 हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। स्पाइसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जिस हिसाब से आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। मोमोज की स्टफिंग स्पाइसी बहुत अच्छी लगती है। अब इसे भी हम थोड़ी देर बस पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुका है, लहसुन प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम गोभी डाल देंगे। जो हम सारी गोभी हमने डाल दी है, अब इसे हम चारों तरफ से चलाएंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे। फिर इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक जिस हिसाब से आप खाना चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं या ज्यादा, उस हिसाब से आप नमक रखें इसमें। अब इसे हम 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। जब तक मोमोज की स्टफिंग तैयार हो रही है, तब तक हम आटा तैयार कर लेंगे। आज हम मोमोज आटे में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आटा लिया है, थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे इसमें, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जो भी आप यूज करना चाहें ऑयल। अब इसका हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका हम नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। आज मैंने मैदा का यूज नहीं किया है, आज मैंने नॉर्मल आटे का यूज किया है, जो खाने में बहुत ही हेल्दी रहेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक बार आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। अब इसका हम नॉर्मल आटा तैयार कर लेंगे। नॉर्मल डो बनके तैयार हो गया है, अब इसे हम ढक के रख देंगे और स्टफिंग देखेंगे कि पक गई है कि नहीं। स्टफिंग हमारी पक के तैयार हो गई है और हमने इसे बीच बीच में चलाया था जिससे ये नीचे जल ना पाए। समथिंग 7 से 8 मिनट लगे हैं स्टफिंग पकने के लिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसके मोमोज तैयार करेंगे। मोमोज की स्टफिंग को मैंने बाउल में निकाल लिया है, अब हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे की छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी बॉल काट लेंगे।
फिर हम उन्हें इस तरह से करके रख देंगे और फिर इसकी पूरी तरह से हम छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। अब इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बेल लेंगे। अब मैंने सभी रोटियां बेल ली हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे गोभी की। इस तरह से इसकी स्टफिंग भरेंगे। शेप आप अपने अनुसार दे सकती हैं, जिस हिसाब से आप शेप देना चाहती हैं। मैंने इस तरह से इसे शेप दिया है। इसी तरीके से हम सारे मोमोज भर लेंगे। फिर दूसरा मोमोज भरेंगे हम। गोभी के मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने इस तरह से आटा के मोमोज बना के रख लिए हैं। अब इन्हें हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने ये थाली का यूज किया है। इसमें कुकिंग ऑयल लगा लिया है, साथ में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये थाली रखेंगे, इसमें हम सारे मोमोज रख देंगे। इस तरह से हम सारे मोमोज रख देंगे और इन्हें हम स्टीम होने देंगे। एक बार ये आप घर पे जरूर ट्राई करें। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आंच को हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और पकने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। गोभी के मोमोज अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और फिर इन्हें हम सर्व करेंगे। गोभी के मोमोज को मैंने सर्व कर दिया है मोमोज चटनी के साथ। आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई करें और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।